How much do you feel that in your young days, like you actually bought? मतलब young days means? तेरी क्या उम्र है? दाढ़ी को डाई किया ना तूने? डाई किया ना दाढ़ी तूने? फिर क्या बोल रहा है तुमसे यंग एज यंग एज? हाँ अब बोल रहा है कॉलेज डेज अभी। हाँ अब्बू आप बुड्ढा है ही हो। अपना टाइम शुरू जैसा आपका टैगलाइन है फिल्म का, तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि समय टाइम आपके लाइफ में कितना जरूरी है और इसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं या हर किसी के लाइफ में कितना जरूरी होता है? पहले तो मैं ये बात को बता दूं कि मैं वक्त पे आता हूँ हर जगह, तो आप जानते हैं। इतना तो मत हंसो यार, थोड़ी मेरी आंख के शर्म तो रख लो, मुंह पे हंस रहे सबके साथ। हाय शाहरुख, दिस इज उर्वी हियर फ्रॉम पिंकुला, टू योर राइट। या हाय उर्वी। हाय, माय क्वेश्चन इज टू यू एंड काजोल बोथ। वी जस्ट नाउ हैड गॉन फॉर अ तमाशा इवेंट वेयर रणबीर एंड दीपिका बोथ सेड दैट योर एंड काजोल्स केमिस्ट्री इज बियॉन्ड पलंग तोड़, एंड दे आल्सो सेड दैट यू नो नोबडी कैन रिप्लेस योर। व्हाट इज योर रिएक्शन टू दिस कमेंट? इनका सवाल है उर्वी का कि रणबीर और दीपिका ने कहा है कि हमारी जो केमिस्ट्री है इज बियॉन्ड पलंग तोड़। देखिए हम शादीशुदा लोग हैं, हमसे ऐसी बातें मत किया करो तुम लोग यार। सो इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम, आई थिंक दे आर वंडरफुल, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स, ग्रेट को एक्टर्स। आई वर्क विद देम, आई डोंट नो इफ यू वर्क विद आइदर ऑफ देम, बट दे ब्यूटिफुल पीपल। एंड आई एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑन द वे जब मैं ट्रैफिक को बीट कर रहा था तो मैंने पढ़ा उन्होंने जो कहा, एंड इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट रिक्वायर्स अ रियली बिग हार्ट एंड टू हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग फॉर अदर एक्टर्स। एंड ऑफकोर्स वी बीन देयर फॉर 20 years एंड वी ट्राइड टू क्रिएट बाई चांस। एक्चुअली हमको तो मालूम नहीं पड़ती कि हमारी मतलब खिड़की तोड़ है पलंग तोड़ है क्या, हम तो बस हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। और हमारा जो हाँ घर तोड़ कुछ पता ही नहीं है हमको, तो हम बस जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दिस थॉट इन अ माइंड आई थिंक इसलिए ज़्यादा नेचुरल लगता है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक टू। अब वो पलंग टूटता है नहीं टूटता उनसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी सॉलिड है वो। One last question this side. I apologize to interview. One last question, Salman this side. Sorry, Shahrukh this side. I don't know where are you speaking from. Shahrukh this side. कहाँ हो कहाँ आप? यहाँ I'm literally sorry because yeah, Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Dipika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Dipika. Oh, I'm extremely sorry. वेडिंग सीजन है बॉलीवुड में, रणवीर सिंह, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा सभी शादियां कर रहे हैं। अनुष्का, यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड। अनुष्का, यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ वेडिंग, एंड वेडिंग सीजन है अभी बॉलीवुड में, तो आप क्या विशेष देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स? ये ट्रेंड ना मेरे बाप मान ने शुरू किया था, इसने थोड़ा ट्रेंड इसने कैसे कर दिया। अनुष्का ने शादी की तो सब शादी, ऐसे थोड़ा होता है, शादियां तो कब से हो रही हैं। तो रणवीर, दीपिका एंड आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं प्रियंका एंड ऑल, सब शादी सब करें। सब करें माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं क्या करूँगा उनकी शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं क्या करूँगा यार। वो करेंगे शादी, वो मजे करेंगे, वो करेंगे बच्चे, मैं क्या करूँगा। मैंने जो करना था कर चुका हूँ। आप जा रहे हो शादी में? बार बार शादी करता रहूँ ऐसे थोड़ा होता है। अनुष्का, आप क्या कहेंगे? यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड, तूने शुरू किया था। एक ऐसा करते हैं मैंने ना एक साइट पे देखा हुआ है, क्या कहते हैं, ए और ने फॉर द ट्रेंड, ये और ने, तो जो इसने ट्रेंड शुरू किया है उसके लिए ये, किनके ये बोलो सब। इसने जो ट्रेंड शो किया है शुरू किया शादियों का, इससे पहले जो एग्जिस्ट नहीं करता था, और तुम लोग कैसे पैदा हुए मुझे पता नहीं, बट सब बोलो ने I think what she means, the lady, is that Anushka's wedding was so beautifully and classily done that it re-inspired us all in love again, and I agree with what you're saying because I remember when I saw that picture, I got all sentimental and I was like, wow, yeah, that's so nice, and I know everyone felt that way because there was so much beauty in that one picture. Everyone was looking at it and feeling that they were reminded of love again, you know, in that moment. You're right. I also felt it. मैंने भी देखा, मैं कहा विराट कोहली से मेरी शादी होनी चाहिए। Hi, Shahrukh, son
And, you are the senior most over here and the producer. No, no, Baman is by far the senior most. Do you think Baman is younger than Shah Rukh? Yeah. Security is aadmi ko baar fek do. So Shah Rukh, could you please allow me if I can I ask Farah and then come back to you? बेटा जो करना है तो बुड्ढा बोल दिया तूने जो करना है कर तू तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है जो करना है तू कर बेटा पहली बार आपने इंडिया से बाहर शूटिंग की है ऐसा क्यों स्क्रिप्ट की डिमांड थी सुमित मतलब जो न्यू ईयर था वो दुबई में होता है और इसीलिए क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा गया था ऐसा पर यही होता है कि हर साल सब लोग आप लोग दुबई चले जाते हो 31 से लेकर 3 तारीख तक सब लोग दुबई में मैं पहली बार गई हूँ दुबई यार पर लोग दुबई जाते क्यों हैं स्टार्स हाँ सॉरी क्यों गए थे सब लोग दुबई कम वक्त तो एक बार एक बात करना अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार हमको भी उतना ही मजा करना है जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त आपके राइट में शाहरुख जी किधर किधर आपके राइट में शाहरुख जी शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीजर आया है तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या आपसे ऐसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट हो और थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स मिक्स टुगेदर मैं जिस जगह पर मैं बैठा हुआ अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है यहीं से तमाचा आएगा करके ऐसा मालूम मैं कहाँ बैठा हुआ तो शर्म नहीं आ रही सवाल करते जानता कौन है ये इसीलिए तो पूछा ये मिसेस क्रिकेटर हैं और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं शर्म आनी चाहिए तुझको